नमस्कार भाई, आप सभी को पता है अरसी का भाई के घर पर बेटी ने जन्म लिया है और बेटी का प्रोग्राम कराया था। जो जन्मोत्सव को पूजन का प्रोग्राम होता है उस पर भाई ऐसा प्रोग्राम आज लग इतिहास में नहीं होगा। बेटे की खुशी में हर कोई करे, लेकिन बेटी की खुशी में ऐसा प्रोग्राम अरसी करने में करके दिखाया। लेकिन लोग बोलते हैं बेटा बेटी एक समान है, कहने में आसान है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है। तो इसी प्रोग्राम में वह बहुत हजारों की भीड़ आई और देखो जो अरसी भाई आ रहे हैं, जो बेटी रामेर महिला के हाथ में दी हुई है, जो दोस्ती की भाई रस्म निभाई है भाई ने, देखो जो अपनी बेटी का रस्म होती है वो रामेर महिला के हाथ में अपनी गुड़िया को दिया हुआ है। और देखो अरचिकार और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में हैं। अब जो अपने देसी भाषा में कह देते हैं भाई, जो जल भराव की वह रस्म होएगा अपना हरियाणा में वो कराई जाएगी। और देखो ये दोस्ती की मिसाल भी कायम करता है भाई। देखो हर भाईचारा हुआ है, मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू भाई भी हैं, हर धर्म से आए हैं और बहुत सारे हरियाणवी सिंगर कलाकार सभी पहुंचे हैं, इंस्टाग्राम स्टार पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हो दूर दूर से लोग सभी आए हुए हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे हैं भाई। देख सकते हो आप कितनी हजारों की भीड़ आई है। और देखो भाई बेटी के इतना जन्मोत्सव किया है, इतनी खुशी की बात है। लोग कह देते हैं भाई बेटा बेटी एक समान है, लेकिन अरसिकारा भाई ने करके दिखाया। अरसिकारा भाई ने एक बात और बात बोली थी कि भाई मेरा पहले बेटा हुआ उस पर मैंने कोई प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन जो बेटी हुई है इस पर मैंने प्रोग्राम रखा, क्योंकि बहुत खुशी है। बेटी घर में आओ तो बहुत सारी खुशियां लेकर आओ, और बेटा बेटी एक समान अधिकार मिला है। तो इसे करके भाई लोगों ने मोटिवेट करने खातर अरसिकारा भाई ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। आप देख सकते हो अरसिकारा भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उनके सारे मित्र जो रामेर महला भाई हैं, जो हरियाणवी इंडस्ट्री की शान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। देखो उनको अपनी बेटी रानी को उनके हाथ में दिया हुआ है और जो अब कुआ पूजन की रस्म वो शुरू करी जाएगी। और आप सभी देख सकते हो भाई हरियाणा के बहुत सारे सिंगर पहुंचे हैं, अमित सैनी भाई पहुंचे हैं, MDKD पहुंचे हैं, KP कुंडू पहुंचे, बिंटू पावड़ पहुंचे, बहुत सारे कलाकार पहुंचे हैं। और हरियाणा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कोई भी शुभकामना नहीं देने पहुंचा, क्योंकि भाई ने काम ही ऐसा सराहने किया है। आप सभी ने भी इस वीडियो तक सीख लेनी चाहिए भाई, बेटा बेटी में कोई द्वेष नहीं करना चाहिए, कोई अलग नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों एक समान है। और आपने निजी जिंदगी में अपनानी भी हैं बातें, कहने में आसान लगती हैं लेकिन भाई भेदभाव करा जाता है बेटे और बेटी में। ये देखो बहुत सारे इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटी पहुंची हैं, सभी कलाकार पहुंचे हैं। और अब जो कुआ पूजन की रस्म कराई जाएगी, देखो मुस्कान यादव जी पहुंचे, जो इंस्टाग्राम बहुत अच्छे कलाकार हैं, हरियाणवी मॉडल हैं, और UK से भाई इनकी आरती सिंह है जो वो भी पहुंचे हैं, स्पेशल आई हैं शुभकामनाएं देने। ये देखो भाई जो अपनी देसी रस्म होती है जल भराव की कुआ पूजन की वो कराई जा रही है। जो बेटी ने अरसिकारा के घर में जन्म लिया भाई खुशियों लेकर आया है, और अरसिकारा भाई इतना खुश है जितना बेटे के जन्म पर नहीं खुश हुआ था। इतना बड़ा प्रोग्राम कराया भाई, 5-6 हज़ार लोग आए हुए थे। और देखो सभी पत्रकार पहुंचे हैं भाई बधाइयां देने और शुभकामनाएं देने। आप सभी ने भी वह कमेंट में शुभकामनाएं जरूर देनी है बेटी के जन्म पर, और अपनी निजी जिंदगी में भी इस चीज़ को अपनाना है, और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझना है। ये देखो कितने हजारों की भीड़ आई हुई है भाई, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी इतने चाहने वाले, क्योंकि अरसिकारा भाई समाज सेवा भी करते हैं भाई, बहुत सारी बहनों का भाई बनकर बात भरिया भाई, बहुत सारी बेटियों का कन्यादान कराया है, और समाज सेवा के साथ साथ देखो इतना बड़ा काम करके दिखा दिया भाई। कहने में आसान होता है बेटा बेटी एक समान है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल। आप सभी ने पता है भेदभाव हर जगह होता है, तो अरसिकारा भाई ने देखो करके दिखाया और इतनी खुशी बेटा होने पर नहीं जाहिर की जितनी बेटी होने पर जाहिर की है। अपने आप बताया अरसिकारा भाई ने कि मेरे जब बेटे ने जन्म लिया मुझे इतनी खुशी नहीं थी जितनी आज बेटी के जन्म पर है, और इसीलिए प्रोग्राम कराया क्योंकि लोगों को भी सीख मिल सके भाई बेटा और बेटी एक समान है। और देखो सभी कलाकार पहुंचे हैं भाई शुभकामनाएं देने। आप सभी ने भी कमेंट में शुभकामना जरूर देनी है भाई को, और बेटी की उम्र लंबी हो सके, आपने सभी ने आशीर्वाद देना है बेटी को और भगवान से दुआ करनी है, क्योंकि बेटी के जन्म पर ही इतनी खुशी है। तो देखो आगे बेटी को लंबी उम्र की कामना करेंगे सभी। ये देखो भाई अरसिकारा की धर्मपत्नी जी को ये जो रस्म होती है निभाई जा रही है। ये देखो भाई अरसिकारा की धर्मपत्नी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं भाई ऐसा काम किया सराहनीय है। तो सभी भाई वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं अरसिकारा भाई ने बेटी के जन्म पर ऐसा कार्य क्या किया, अच्छा किया नहीं किया।
शेयर जरूर कर दे सारे भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद सभी को।